आज बीजेपी का रैली डे है। हैदराबाद में मोदी हल्ला बोलेंगे तो दिल्ली में शीला सरकार पर बिजली गिराने की तैयारी बीजेपी ने की है। नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंच चुके हैं जहां वो 4 बजे रैली करेंगे। मोदी की इस रैली में शामिल होने के लिए टिकट लगाया गया है। वहीं दिल्ली में बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर बीजेपी रैली कर रही है। तो बीजेपी के सुपर संडे और बीजेपी की इन रैलियों और बीजेपी की भविष्य की योजनाओं पर हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए शामिल है हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा साहब। डॉक्टर पात्रा, आपसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि आखिर बीजेपी एक साथ 3 मोर्चों पर हल्ला बोलकर क्या संदेश देना चाहती है? जिस प्रकार से पूरे देश में एक भय भूख और भ्रष्टाचार का माहौल बन गया है, आप खुद ही देख रहे हैं कि दिल्ली में किस प्रकार की अराजकता चल रही है शीला सरकार की, और हैदराबाद में भी तेलंगाना में किस प्रकार कांग्रेस ने इतने वर्षों तक जो कॉमन सेंटीमेंट है लोगों का उसके साथ खिलवाड़ किया है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के नाते और न केवल मुख्य विपक्षी दल एक राष्ट्रवादी पार्टी के नाते सच्चाई से लेकर लड़ना है, सच्चाई को जनता तक पहुंचाना है, वही काम कर रही है। स्वागत योग्य काम है और जनता भी जुड़ रही है। लेकिन डॉक्टर पात्रा, ये जल्दबाजी चुनाव को लेकर दिखाई दे रही है, पिछले 4 साल भी बीते हैं, उस पर भी जरा गौर करिए। ये सारी चीजें अगर पहले से चल रही थी तो आपको अभी ही चुनाव का जब झुंझुना सामने दिख रहा है उसी दौरान इतनी सक्रियता क्यों? नहीं, आप देखिए मनीष जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि 1 महीना आप हमें बता दीजिए या कोई 15 दिन का ऐसा पखवाड़ा बता दीजिए जब इस प्रकार का माहौल देश में न खड़ा हुआ हो। कभी भी देखिए एक ना कोई रैली जो है जो सत्य को लेकर खड़े होने वाला विषय है उसे लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है, लड़ रही है, केवल चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं। और हां, चुनाव आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से देश को अवगत कराना जो पॉलिसियां गवर्नमेंट की रही हैं, जो पॉलिसी पैरालिसिस के कारण देश का नुकसान हो रहा है उस विषय में बताना, ये तो मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य विषय है। इसमें क्या बुराई है डॉक्टर?